नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे बीबीसी के एक नए कैबिनेट के बारे में, जो कि उसकी कैंटी सीरीज में है। कैबिनेट का मॉडल नंबर है कैंटी 4। आज हम इस कैबिनेट की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं आपको इस कैबिनेट के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को मिस ना कर जाएं, जिससे कि आप सारी डिटेल्स के बारे में जान सकें। अनबॉक्सिंग करेंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर अंदर आप अगर इस कैबिनेट को बाय करते हैं तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं, इसकी ड्यूल बॉक्स पैकिंग है, जिससे कि इसको किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान ना हो, इसलिए इसकी ड्यूल बॉक्स की पैकिंग है। और अंदर देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें हमें एक 120 mm का फैन है, जो कि ये आपका रेनो LED है। BBC के ज़्यादातर मॉडल्स में आपको यही फैन मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इसके साइड में जो पैकिंग है, ये आपकी EPA पैकिंग है, मेन फॉर्म की पैकिंग है, जो कि इसके टेम्पर्ड ग्लास जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए है। हम इस कैबिनेट को बाहर निकालते हैं। मैंने इस कैबिनेट को बाहर निकाल दिया। अगर हम इसको सबसे पहले फ्रंट पैनल की बात करें तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लुक है इसका। कॉम्बिनेशन जो है आपका रेड एंड ब्लैक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले आप यहाँ देख पाएंगे वीडियो के अंदर, ये आपका टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है इसमें वन साइड। मैं टेम्पर्ड ग्लास को ओपन करता हूँ, तो वो आप देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे साइड में रबर नॉब दिए गए हैं स्क्रूज के साथ। ये चारों में है आपके, चार स्क्रूज के अंदर दिए गए हैं। ये हमारा टेम्पर्ड ग्लास हो गया। टेम्पर्ड ग्लास की प्रोटेक्शन के लिए दोनों साइड इसमें पॉलिथीन चढ़ी हुई है, जिससे कि ये किसी भी तरह का इसमें स्क्रैच वगैरह ना आए। आप जब यूज करें आप इसको हटा सकते हैं, चाहे तो इसके साथ ही यूज कर सकते हैं। और ये हमारी कैबिनेट है। सबसे पहले अगर हम इसके अंदर की साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी स्पेस दिया गया है। कैबिनेट के हिसाब से काफ़ी बड़ा कैबिनेट है, फुल 80X कैबिनेट की सीरीज में आता है। और ये आपका, अब हम इसके स्क्रूज वगैरह देखते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले आपके कुछ टाइल्स वगैरह दी गई हैं, जो कि आप अपने केबल मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, या जहाँ भी आप चाहें किसी भी तरीके के फीचर में आप इनको यूज कर सकते हैं। एक थैली आपके स्क्रूज की दी गई है, जिसमें आपके लॉन्ग स्क्रूज हैं, जो कि फैन माउंटिंग के काम आते हैं ज़्यादातर।
बाकी के आपके कैबिनेट के, मदरबोर्ड के, हार्ड डिस्क के और ये सब सारे स्क्रूज इसमें दिए गए हैं। साथ में आपको एक स्पीकर भी दिया गया है जो कि आपके मदरबोर्ड में ऑन ऑफ के दौरान आपको सिग्नल का काम करेगा। हम इसकी बात करते हैं केबल्स की, तो ये आपकी केबल्स हैं। केबल्स की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी केबल्स की क्वालिटी इसमें दी गई है। हाई क्वालिटी की केबल्स हैं क्योंकि ये जो कैबिनेट है कैंची फोर आपका बीबीसी के लिमिटेड एडिशन में से एक है। और ये आपकी यूएसबी है 2.0 के लिए, ये आपका 3.0 के लिए है और ये आपका एचडी ऑडियो के हैं। इसमें हार्ड डिस्क एलईडी, पावर एलईडी और ये आपका पावर बटन इसमें की इसमें ये तारे हैं। अब हम बात करते हैं इसके इनसाइड स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो इसमें आप 28 का मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। इसमें आप ATX, मिनी ATX, माइक्रो ATX मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड के अगर साइज की हम बात करें तो ये आपका इसमें ग्राफिक कार्ड के लिए बहुत अच्छा स्पेस है और ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी लेंथ तक यूज कर सकते हैं। 1050 Ti, 1060 Ti और जो भी आप अपना मैक्सिमम साइज यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। और हम बात करते हैं इसकी SMPS के लिए। तो SMPS के लिए हमें इसका सबसे पहले बैक पैनल खोलना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो SMPS है वो डाउन साइड है, मेन से इसके असेंबलीज आपकी नीचे फिट होती है। और इसमें असेंबलीज के लिए एक स्पार्टेड स्पेस है, तो वो स्पार्टेड स्पेस जैसे कि ये डाउन साइड है, स्पार्टेड स्पेस है असेंबलीज के लिए। हम इसके असेंबलीज तक जाने के लिए इसका बैक पैनल खोलना पड़ेगा। ये आपका ये बैक पैनल है। अभी आप खोलने के बाद आप देख सकते हैं ये आपके एसएमपीएस के लिए। आप एसएमपीएस में काफ़ी अच्छे साइज की लगा सकते हैं। अब हम बात करें हार्ड डिस्कों के लिए, तो आप यहाँ पे 2 3.5 इंच की हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। एक SSD आप यहाँ लगा सकते हैं और एक SSD आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका इस कैबिनेट में एक खास बात और है कि इसकी जो ये आपका ये वाला जो फ्रंट पैनल है, ये इसमें आपकी रेनबो LED लगी हुई है। मींस जब आप इसको ये कंट्रोलर से कनेक्ट हो रखी है, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो ये आपकी रेनबो LED यहाँ पे प्ले होगी। तो ये इसका कंट्रोलर है, इसमें आप RGB फैन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस कंट्रोलर को हटा के कहीं और भी यूज कर सकते हैं। ये 2 टेप लगी हुई है खाली, तो आप ये 2 टेप हटा के दूसरी जगह माउंट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे SSD यूज करनी है। और अगर नहीं चाहते तो इसको यहीं पे भी लगा रहने दे सकते हैं। ये आपकी हार्ड डिस्क और ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड के बारे में इसकी डिटेल्स हो गई। अब हम जाते हैं इसके डाउन साइड। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें PSU के लिए एक डस्ट कवर दिया गया है। ये आपका हार्ड डिस्क के लिए है, एयर के लिए। और अब हम इसके टॉप पे जाते हैं, तो ये टॉप में आपका एक मैग्नेटिक कवर दिया गया है, मैग्नेट डस्ट कवर। और यहाँ पे आप टॉप में 2 120 mm के फैन फिट कर सकते हैं। और टॉप में हमें दिया गया है, ये इसका पावर बटन है, ये इसका रिस्टार्ट बटन है, ये इसका 3.0 USB है और ये आपका इसका 2.0 के 2 USB है। ये इसका टॉप पैनल हो गया। अब हम बात करें कि इसमें टोटल हम कितने फैन फिट कर सकते हैं। तो इसमें आपके 2 फैन हम टॉप पे फिट कर सकते हैं, 1 फैन हम रेयर में फिट कर सकते हैं, 2 फैन हम ये बॉटम में फिट कर सकते हैं और 3 फैन हम यहाँ ये फ्रंट में आप लोग फिट कर सकते हैं। फ्रंट में फैन फिट करने के लिए हम बैक पैन और फ्रंट पैन निकालना पड़ेगा। मैं वो आगे निकालूंगा इस वीडियो में, आप देख पाएंगे। और अगर हम इसमें एयर फ्लो की बात करें तो एयर फ्लो इसमें बहुत ही अच्छा है। फ्रंट पैनल में एयर फ्लो के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जाली बनी हुई है, ये आपकी एयर फ्लो के लिए ही है। ये दोनों साइड है, सॉरी ये एक ही साइड है, इस साइड है आपकी एयर फ्लो के लिए है कि जब आपके फैन रनिंग करेंगे तो यहाँ से ये एयर फ्लो इसमें अंदर जाएगा। एक ये कोने में ये स्पेस ही एयर फ्लो के लिए ही दिया गया है यहाँ पे। और बाकी आपको पता ही है कि VVC की ज़्यादातर कैबिनेट बॉटम में भी स्पेस होता है फ्रंट पैनल के लिए एयर इनटेक करने के लिए। बाकी आप देख ही सकते हैं इसमें हर जगह एयर के लिए जगह बनाई गई है।
अब हम बात करें अगर केबल मैनेजमेंट की, तो आप जब अपना पीएससी यहाँ फिट करेंगे तो आप इस जगह से अपनी केबल्स को अंदर ले सकते हैं, यहाँ से भी आप उनको केबल्स को डिवाइड कर सकते हैं पीछे के लिए आगे के लिए, और ये आपके स्पेस सारे केबल मैनेजमेंट के लिए ही हैं। तो आप देख सकते हैं ना केबल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस और काफ़ी अच्छी जगह दी गई है। ये आपका इसमें केबल मैनेजमेंट का हो गया। अब मैं इसका फ्रंट पैनल ओपन करता हूँ। तो फ्रंट पैनल के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आप अपना ये देख लीजिए कि आपकी सारी वायर जो है वो फ्री होनी चाहिए, जिससे कि किसी तरह का हमारी कैबिनेट में डैमेज ना हो। ये मैं इसका फ्रंट पैनल मैंने ओपन कर लिया है। ये आपका फ्रंट पैनल बाहर आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक दो तीन आप फैन लगा सकते हैं, या इसमें आप यहाँ पे फ्रंट में चाहें तो आप 360 mm का वाटर कूलर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं राय दूंगा कि आप 240 mm का ही यूज करें, उसके लिए कैबिनेट बहुत ही बढ़िया है, या फिर आप 120 mm के तीन फैन भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। यह आपका इसमें केबल मैनेजमेंट के बाद आपका एयर का हो गया। अब इसकी अगर हम बात करें फ्रंट पैनल की, तो ये जो आपका इसका फ्रंट पैनल है ये एक्रेलिक है, टेम्पर्ड नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये फ्रंट पैनल जो है एक्रेलिक है, टेम्पर्ड नहीं है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये इसमें कवर दिया गया है, जिससे कि इस पर स्क्रैच ना पड़े। और ये इस कैबिनेट का फुल अनबॉक्सिंग रिव्यू था। रिव्यू के साथ मैंने इसके सारे लगभग लगभग सारे फीचर्स इसमें कवर किए हैं। अगर कोई फीचर में से रह गया होता आप मेरे से कमेंट में बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका उसका रिप्लाई देने दूंगा। और अगर आपको ये हमारी इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकें और उनका फ़ायदा उठा सकें। मेन फ़ायदा उठाने से मेन मतलब है कि उनको बाय कर सकें और वो उनको यूज कर सकें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी इन फ्यूचर में हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे या कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसका अपडेट आपको सबसे जल्दी मिल जाएगा। ये आपका जो इसमें रीस्टार्ट का बटन है, इसके कनेक्शन आपके RGB LED से दिए गए हैं। आप इस बटन को प्रेस करके अपनी LED को एक कलर को चेंज कर सकते हैं। ये बंद भी हो सकती है, जितनी बार आप देख सकते हैं बटन दबा रहा हूँ उतनी बार इसके कलर चेंज हो रहे हैं। ये आपका मल्टी में ऑटो मोड पे आ गई है।